राधे राधे हो, जय हो जय हो। अरे शरण तिहारी राधे जू, मेरो जन्म सुफल होए जाए। एक फिल्मी टुकड़ा सुनेंगे आप। कि हर घड़ी आज कल बस तेरा इंतजार रहता सुनेंगे। हर घड़ी आज कल बस तेरा इंतजार रहता है, भर लूं कि तुझको बाहों में दिल दीवाना कहता है, दिल दीवाना कहता है। चोरी चोरी जिस दिन मुलाकात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, दिन नहीं गुजरता रात नहीं होती, नयो लगता दिल हाय तेरे बिना, नयो लगता दिल हाय तेरे बिना। जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती, दिल नहीं गुजरता रात नहीं होती, तो नयो लगता दिल हाय तेरे बिना, नयो लगता दिल हाय तेरे बिना, नयो लगता दिल हाय तेरे बिना, नयो लगता दिल हाय तेरे बिना। ये फिल्मी टुकड़ा आदमी गीत की पंक्तियां सुनेगा, बिल्कुल साधारण पंक्तियां आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। एक एक पंक्ति आप तक पहुंचेगी, सुनिएगा। कि खेल खिलाड़ी का कि खेल खिलाड़ी का खेल नहीं होता, दुर्गेश जी, खेल खिलाड़ी का खेल नहीं होता, अकंस का इरादा कभी फेल नहीं हो, खेल खिलाड़ी का खेल नहीं होता, कंस का इरादा कभी फेल नहीं होता। तो पैदा हुए नंदलाल, पैदा हुए नंदलाल दो माँ के लिए, ये बात बताने की आवश्यकता नहीं, वो दो माँ कौन है, माता देवकी माता यशोदा। पैदा हुए नंदलाल दो माँ के लिए, अब आए बन के काल मामा के लिए। सिर्फ एक प्रयोग है और एक भाव है। पैदा हुए नंदलाल दो माँ के लिए, अब आए बन के काल मामा के लिए। Bye.
ये हरजन का दिल है दीवाना ऐसा कुछ लिखा है आपने, 21 पत्र मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद है, सादर प्रणाम कर रहा हूं। बिल्कुल गीत के अनुरूप आपका नाम है। कैसे निवेदन कर रहा हूं आदरणीय सभी सम्मानित जनों से, पैदा हुए नंदलाल दो मां के लिए और आए बन के काल मां मां के लिए, इधर भी दो मां उधर भी दो मां, लेकिन विशेष बात यह है भाई, देखिए ये तो बिल्कुल यथार्थ है कि विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन जब वहां से भगवान श्री राम के रूप में जब श्री हरि थे, तो उन्होंने बहुत लोगों से वादा किया, इस समय मैं आपकी इच्छा नहीं पूरी कर सकता, लेकिन मैं द्वापर में जरूर पूरी करूंगा। तो सुनेगा सुने भाई नहीं नीति भाई की भाई, भाई नहीं नीति भाई की बना कसाई भाई, और भाई बड़ा तब छोटा बना है, छोटा बना बड़ा भाई। क्या बात, जब माता जानकी को वन में छोड़ने का आदेश श्री रघुवर ने दिया, तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु छोटा होने के नाते मैं आपकी बात काट नहीं सकता, लेकिन अब मुझे छोटा मत बनाइएगा। तो वही द्वापर में बलराम बने और श्री राम जी कन्हैया के रूप में। भाई बड़ा तब छोटा बना, अरे छोटा बना बड़ा भाई, भाई बड़ा बड़ा भाई, अरे छोटा बड़ा बड़ा भाई। और सम्मानित जन, जब माता कैकेयी भगवान श्री राम अयोध्या से लौटे, माता कैकेयी के पास गए, प्रणाम किया, कहा मां मेरे कारण बहुत कलंक आपने अपने सर पर लिया, चूंकि आप जानती थी कि मैं तो इसी कार्य के लिए आया हूं, लेकिन कलंक आपके मस्तक पर लगा, तो क्या चाहती हो? तो भगवान तो माता कैकेयी ने कहा कि पुत्र मैं कुछ नहीं चाहती हूं, सिर्फ इतना कि मैं अगले जन्म में मैं तुम्हारी मां के रूप में आऊं। भगवान श्री राम ने कहा कि मां मैं आपका पुत्र तो बनूंगा, लेकिन कभी आपका स्तनपान दुग्धपान नहीं करूंगा मैं। तो वही कैकेयी माता देवकी के रूप में आई। तो सुनिएगा, माई देव की मात कैकेयी कृष्ण ने बात निभाई, और माई यशोदा मात धरा वो ऐसी चाह लुभाई, ऐसी चाह लुभाई, ऐसी चाह लुभाई, ऐसी चाह लुभाई। क्यों? पिता को दिया जो उसने जेल नहीं होता, पिता को दिया जो उसने जेल नहीं होता, श्रीमान श्रीमती का मेल नहीं होता। तो श्याम ने किया धमाल सत्यभामा के लिए, पैदा हुए नंदलाल दो मां के लिए, चंद्र से पाई आना पाई। एक एक शब्द सुनेंगे आप, और क्या समझते रहिए। अपाई धरती त्रास खलो से मन में जब कल पाई, भगवान का अवतार हुआ तो माता धरती प्रसन्न हो गई, दुष्टों के आतंक से उनको राहत मिली, तो
पाई सरस वसुधा सरसाई पाई 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 पाई। और कन्हैया ने पाई पयो निधि तब धरती ने श्याम ने नहीं छिपाई। अपनी सारी कलाओं का प्रदर्शन भगवान सांवरे सरकार ने कर दिया। तो विधि ने मिलाया ताल मेल नहीं होता, तो यमुना के तट पे वो कुलेल नहीं होता। बढ़िया, क्या बात क्या बात। तो यमुना के तट पे वो कुलेल नहीं होता। ग्वाल बाल गोपाल श्री रामा के लिए आए बन के काल जी। प्रायः सुना जाता है कि ईश्वर राई को पल में पर्वत कर दे, पर्वत को राई, रंक को राजा बना दे, राजा को रंक। लेकिन मैं उदाहरण के साथ पंक्तियां सुनिएगा। राई को पर्वत कर डाला विप्र सुदामा, क्षण भर में महाराज गरीबी को क्षण भर में इस प्रकार से बदल दिया कि वो राजा बन गए। एक क्षण समय लूंगा। जब सुदामा जी मिलने गए कन्हैया जी से, बड़ा सत्कार किया तो एक पीतांबर दिया सुदामा जी को ओढ़ने के लिए। और जब सुदामा जी विदा लेके चलने लगे कन्हैया अब मैं चलूंगा, तो कन्हैया ने कहा सुदामा तुम्हारी अभी चोरी की आदत गई नहीं। कहा क्या किया? क्या कहा? कम से कम मेरा पीताम्बर तो वापस कर दो। अब सामने से सच्चा मित्र वही होता है जो सामने से नहीं मदद आपकी ऐसी कर देगा कि आप जान भी नहीं पाएंगे और आप रंक से राजा बन जाए। ये है हमारे कन्हैया सरकार। तो सुनिए सुने राई को पर्वत कर डाला और पर्वत को राई। राई राई नव निधियों की मोहन ने बिखराई। मोहन ने बिखराई, मोहन ने बिखराई, मोहन ने बिखराए। एक वादा और किया भगवान श्री राम ने त्रेता युग में। किससे? एक स्त्री थी जिसका नाम था पिंगला, उसका नाम था पिंगला। उसने प्रभु को पान खिलाया और भगवान श्री राम जब पान की पीक को थूकना चाहे तो अपने हाथ में ले लिया। तो कहा पिंगला तुम मांगो जो भी मुझसे मांगना चाहती हो। तो पिंगला ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए क्या। भगवान ने आशीर्वाद दिया और वही पिंगला यमुना के रूप में आई। तो सुनेगा सुने। राई को राजा कर डाला जाने तीर पराई। राई पिंगला वो कालिंदी सागर ने ठुकराई। सागर ने ठुकराई, सागर ने ठुकराई, सागर ने ठुकराई। बड़े भैया आखिरी पंक्तियां। मेल मेल अगर बना फी, बड़े भैया बड़े भैया। मेल अगर बना फी मेल नहीं होता। कौन? जब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि देवी अपनी पार्वती जी से कि मैं भी रास लीला में चलना चाहता हूं, तो माता भगवती ने कहा प्रभु वहां पुरुष नहीं जा सकते हैं, और क्या सिर्फ नारियां ही जाती हैं रासलीला में। तो पंक्ति कह रही मेल मेल अगर बना भी मेल नहीं होता, तो सरगम कभी ई मेल नहीं।
मेल अगर पाना भी मेल नहीं होता तो सरगम कभी मेल नहीं होता। तो पल में किया कमाल सुदामा के लिए, तो आए बन के काल मामा के लिए। लेकिन खिलाड़ी कभी खेल नहीं होता, खिलाड़ी का खेल खेल खिलाड़ी का खेल नहीं होता। अब कंस का इरादा कभी फेल नहीं होता। तो पैदा हुए न बिलाल दो माँ के लिए, आए बन के काल मामा के लिए। को उठाकर प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोले नंदलाल की जय हो। ये तीन तीन यूट्यूब चैनल लगे हैं और मैं किसी का परिचय नहीं जानता हूं, नहीं आपका भी मैं बोल देता तो एक काम करिए, आप लोग ज्यादा मत, एक पर्चा में नाम लिखिए, उसके नीचे लिख दीजिए 501 तक लिख दीजिए तीनों लोग, एक एक जन, और दे दीजिए, मैं आपका परिचय बता देता हूँ। पर्चे के साथ खर्चा दे दे, नहीं नहीं ठीक है, धन्यवाद है। ये आपके हंसने हंसाने के लिए, बाकी आप लगाए रहे, हम लोग ज्यादा कमाई कर रहे हैं आज। नहीं वो बेचारे दे के जाते हैं, सुबह देंगे। सम्मानित श्री लखन सिंह हरे जी, परम सम्मानित श्री लखन सिंह हरे जी पथरगुआ, और श्री नोने लाल शर्मा जी पथरगुआ, श्री नजीर खान साहब, श्री नजीर खान साहब पथरगुआ, ये आप तीनों हमारे सम्मानित जनों की तरफ से ये 251 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही हैं। मैं आप सभी सम्मानित जनों को प्रणाम कर रहा हूं, आशीर्वाद की कामना करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच परमादरणीय सम्मानीय हमारे संचालक महोदय और उसके बाद सम्मानीय दुर्गेश नंदिनी जी, तब तक के लिए धन्यवाद धन्यवाद, बस ईश्वर से मनाए। इंतजार रहता है तेरा इंतजार रहता है, और भर लुआ के तुझको बाहों में ये दिल दीवाना कहता है। इसलिए कह रही हूँ चोरी चोरी जिस दिन मुला बात नहीं होती, चोरी चोरी जिस दिन मुलाकात नहीं होती, तो दिन नहीं गुजरता ये रात नहीं होती, अर नहीं लगदा
तो नहीं लगदा दिल तेरे बिना, अरे नहीं लगदा दिल भैया। गीत आपका बहुत बढ़िया आया है। आप कह रहे हैं हाँ। तो पैदा हुए नंदलाल दो माँ के लिए, बस दो माँ के लिए। ओहो, और बाकी माँ बेटा कहाँ गए? तीर्थ यात्रा। बस दो माँ के लिए पैदा हुए कन्हैया हाँ। और भैया फिर आप कह रहे हैं तो आए बन के काल मामा के लिए, ये, ये, ये। पैदा हुए नंदलाल दो माँ के लिए हाँ। और आए बन के काल मामा के लिए, बस दो माँ के लिए। ढोलक की चांटी बोल दे भैया। अच्छा भैया, जो तीसरी माँ है धरती माता, वो भी तो परेशान है हाँ। कंस के अत्याचारों से वो भी परेशान है हाँ हाँ। आइएगा, जब आपकी पंक्तियां सुनेगा हाँ। कन्हैया दो माँ के लिए पैदा नहीं हुए हाँ। कन्हैया पैदा हुए हाँ। किस लिए हुए? किस लिए? और किन कारणों से हुए? सिर्फ दो माँ के लिए पैदा नहीं हुए हाँ। सुनिएगा, सुनियो, अच्छी बात गाई है आपने। जब आपकी पंक्तियां सुनेगा क्योंकि कहा भी गया है विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और ये आपने भी कहा था, ये आपने भी कहा था, फिर भी आप कह रहे हैं कि दो माँ के लिए। खैर अच्छी बात है, गीत आपका बढ़िया है, बिल्कुल अपनी ओर से जवाब का प्रयास कर रही हूँ। सुनिएगा बड़े भैया, सुनो। कहना पड़ा हो महस मेदिनी परना, महस मेदिनी परना, महस मेदिनी परना अत्याचार करता तो कौन कौन? वो कंस इस धरनी पर हाँ, महस मेदिनी परना अत्याचार करता करता भी इस पे ना वो विचार करता। अत्याचार बढ़ने लगा बढ़ने लगा तो अरलीना है अवतार। कंस का जब अत्याचार बढ़ने लगा अपने बहन और बहनोई को जेल में डाल दिया, सारे संसार पर त्राह त्राह होने लगा, जब होने लगा तो अरलीना है अवतार तो लीना है अवतार क्या चार के लिए, तो आए हैं सरकार सदाचार के लिए। सदाचार तो लीना है अवतार जो चार के लिए, आए हैं सरकार सदाचार के लिए। लीना है अवतार चार के लिए, आए हैं सरकार चार के लिए। कह रही हूँ हाँ। और बेटे लो, और लो और ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद सम्मानीय
नाती जय बुंदेला बमीठा। आपने लिखा है, क्या आवाज है, क्या सुरताल है, बहुत बहुत धन्यवाद है शर्मानी भैया। जो कुछ भी है माता रानी का आशीर्वाद है और आप सभी का प्रेम है। बिल्कुल, ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय है हमारे बड़े भैया नाती जय बुंदेला बमीठा, आपके कर कमलों से भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जहाँ भी विराजमान है मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और ये 251 रुपए की पद मुद्राएं सम्मानीय बड़े भैया श्री लखन शिवहरे जी पत्थरगुआ, नौने लाल शर्मा जी पत्थरगुआ, नजीर खान जी पत्थरगुआ। ये तीन दोस्त निराले हैं और पत्थरगुआ के रहने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप जहां भी विराजमान हो बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिएगा बड़े भैया, आपने जो गीत गाया है आपके कुछ अंतरे कैद हैं। मैं अपनी ओर से भी प्रयास कर रही हूँ, प्रयास देखिएगा किस प्रकार किया है। तो मायापति की माया ने जब सारा जग भरमाया, कहना पड़ा तो मायापति की माया ने जब सारा जग भरमाया, और जब सारा जग भरमाया तो माया भी समझ ना पाया। मायावी कौन? कौन? कंस। ए कंस, अरे माया भी समझ न पाया तो ऐसा रंग जमाया, ऐसा रंग जमाया, ऐसा रंग जमाया। इसलिए कह रही हूं, अरे माया में जिनकी सारा, किनकी माया में? भगवान कन्हैया। हाँ, माया में जिनकी सारा अर विश्व समाया, तो ये माया मोह त्याग संग वही रजित भैया, माया मोह त्याग संग आई महामाया। क्या बात बेटा, बहुत बढ़िया। और जब आ गई तो राधिका रानी के रूप में, इसलिए कह रही हूं, तो करता वो लीला अरे सब कुछ है आसान सुख धाम के लिए। बड़े भैया, क्योंकि सब कुछ उसके हाथ में है, जग को नचाने वाला है, और जब जग को नचाने वाला है तो अरे लीना है अवतार हर विचार के लिए, तो लीना है अवतार हर विचार के लिए, तो आए हैं सरकार सदाचार के लिए, और आए हैं सरकार सदाचार के लिए, आए हैं सरकार सदाचार के लिए, आए हैं सरकार सदाचार के लिए। भैया एक टुकड़ा और देखेगा, तो छाया है जब पाप धरा पर तो पापी को मद छाया, अत्याचार छाने लगा,
अत्याचार कंस का ज्यो ज्यो बढ़ने लगा तो अपने बल पर घमंड, अपने बल पर अहंकार आने लगा उस कंस को। और जब आने लगा तो छाया है कोहराम जगत में, सब पर संकट छाया। जनमानस त्राह त्राह कर रही है लेकिन वो अत्याचारी अत्याचारी अपना अत्याचार बढ़ा रहा है, बढ़ रहा है तो हो छाया घन घोर जब अंधेरा है छाया। भैया छाया घन घोर जब अंधेरा है छाया तो उसी घनघोर अंधेरे में छाया बनाए शेष, अरे छाया बनाए शेष करें छत्र छाया। कृष्ण भगवान ने जन्म ले लिया और जब वसुदेव जी चले, यमुना जी जैसे जैसे ऊपर आ रही हैं, जैसे जैसे ऊपर आ रही हैं, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, बरसात हो रही है, तो वहां पर शेष नाग जी ने अपनी छत्र छाया कर ली। और जब छत्र छाया कर ली तो इसलिए कह रही हूँ भैया, छाया घन घोर जब अंधेरा है छाया तो छाया बनाए शेष करे छत्र छाया। इसलिए अरलीना है अवतार के लीना है अवतार क्या चार के लिए तो आए हैं सरकार सदाचार के लिए। अरे आए हैं सरकार सदाचार के लिए। सरकार सदाचार के लिए तो आए हैं सरकार सदाचार के लिए। बोलिए कन्हैया लाल की। और लीजिएगा सामान्य रंजीत भैया जी।